आंख है कि बातों से मानता ही नहीं, उसे अब गोलियों से ही समझाना पड़ेगा। जी हां, हिंद के शौर्य की, हिंद के ताकत की, हिंद किस तरह भारत के हर मोर्चे पर पाकिस्तान को शिकस्त दे रहा है। आज नहीं, हमेशा जब जब पाकिस्तान ने हिंद के खिलाफ आग उलगड़ने की कोशिश की है, भारत ने उसे घेर कर मारा है। हम पाकिस्तान को इसी तरह से घर में घुसकर मारते रहे हैं, क्योंकि भारत की जंग की आतंक के जंग खिलाफ चल रही है, जो जारी थी और जारी है और जारी ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नासूर बन गया है। बारूद की खेती करने वाले पाकिस्तान को समझाने का वक्त चला गया है। जी हां, अब सिर्फ गोली से उसको समझाया जाएगा। भारत पूरी तरह हर मोर्चे पर दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है। आज आपको वो दिखाएंगे कि भारत ने 65 और 71 की लड़ाई में किस तरह पाकिस्तान की जमींदोज कर दिया। पाकिस्तान को सुनाएंगे दुश्मनीदों से 65 की पूरी कहानी। किस गुमान में है तू पाकिस्तान? कई बार मार चुका तुझे हिंदुस्तान, हर जंग में तुझे दी है शिकस्त। तेरे हौसले को हिंद ने किया है पस्त। मैदान में तुझे हमने ललकारा है, घर में घुसकर भी तुझे मारा है। तेरी जमीन पर बारूदों की खेती है, तेरे जुल्मों से दुनिया रोती है, अब तेरा बस एक ही इलाज है, आत्मा हो तेरा। ये हिंद की आवाज है, पाकिस्तान अब तू नहीं बच पाएगा। भारत तेरा और जुल्म नहीं सह पाएगा। बाज ना आया तो फिर घर में घुसकर मारेंगे। आतंक का तेरे चेहरे से नकाब उतारेंगे। हारा हुआ पाकिस्तान जंग ना करने की दुहाई दे रहा है, बातचीत से मामला हल करने की बात कह रहा है, लेकिन यह पाकिस्तान हर बार पीछे से वार करता है। सहमा हुआ पाकिस्तान हिंद की सेना की ताकत देखकर अपने कदमों को पीछे खींच रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जंग में उसका क्या हश्र होगा, क्योंकि सेना के साथ हिंद के नागरिक भी देश के लिए लड़ने को तैयार हैं। देखिए रिपोर्ट। जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे। सुना आपने, पाकिस्तान इसे शांति बोल रहा है। ये बोलकर पाकिस्तान खुद को शांति का दूत साबित करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन इस मीठी जुबान के पीछे जो आग है उसे समझना भारत के लिए कतई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान दो मुहा सांप है, कहा जाता है सांप को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं होता, वक्त मिलते ही वो डस लेता है और यही फितरत है पाकिस्तान की। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। ये ड्रामा है, ये पाकिस्तान की चाल है। पाकिस्तान शब्दों से बरगलाना चाहता है। इमरान खान के इस बयान के पीछे पाकिस्तान का डर है, ये खौफ है पाकिस्तान का। ये हिंदुस्तान के शौर्य की ताकत है कि पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि उसे भारत ने कितने बार मैदान में घसीट घसीट कर मारा है, कितने बार घर में घुस कर मारा है। वो जानता है कि भारत जब तक खामोश है तब तक तो ठीक, बार बार छेड़ने पर भारत भूखे शेर की तरह दुश्मन का नामो निशान मिटा देगा। भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान, हिंद की ताकत देख घबराया पाकिस्तान। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद पाकिस्तान पगला गया है और पागल अपनी भड़ास मिटाने के लिए गीदड़ की तरह शेर के सामने गुर्रा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने अपनी सीमा पर फौलादी जवान तैनात कर दिए हैं। राजस्थान से लगती भारत पाक सीमा पर भारत के वीर तैनात हैं। सीमा से सटे हुए गांवों के लोग बेखौफ हैं। भारत की मिट्टी में पैदा हुआ इंसान बुजदिल नहीं हो सकता, और यही वजह है कि गांवों के लोगों में खौफ नहीं बल्कि गुस्सा है। हम सेना के साथ में रहेंगे कंधे से कंधा मिला के, और नहीं हमारे को कोई युद्ध का कोई मतलब हमारे मन में कोई वैसा खौफ है। हम बॉर्डर पर रह रहे हैं वैसी स्थिति में जैसे पहले रहते थे वैसे ही, और यदि होगा तो हम सेना के साथ में रहेंगे। 1965 और 71 में भी पाक को मारा था, अब की बार खात्मा करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने देखा है किस तरह भारत ने 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराया था। उनकी आंखों ने देखा था किस तरह भारत की सेना ने पाकिस्तान को मारा था, कैसे दुश्मन की छाती पर तिरंगा फहराया था। 1971 का जब युद्ध हुआ था, जब हमारे रामगढ़ गांव के अंदर 4 बम पड़े थे, जैसे एक तो मेरे घर के अंदर ही पड़ा था। अभी आप इधर लाइव करके दिखा दो, ये झोंपड़ी ऐसी झोंपड़ी थी वहाँ पे जिस टाइम रामगढ़ के अंदर, तो उसके क्या बीचों बीच सेंटर के अंदर बम पड़ा था। एक साइड में जो मेरे पिताजी चारपाई पे सोए हुए थे, साइड में वो बम गिरा था तो आधा मकान का हिस्सा लेके निकल गया था। पाकिस्तान की हार के सबूत, जी मीडिया ने भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे सबसे नजदीक गांव गमनेवाला का दौरा किया। उस गांव में रखे हैं पाकिस्तान की हार के सबूत कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जमींदोज किया था। लोंगेवाला बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे गमनेवाला गांव में हम मौजूद हैं, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस बेफिक्री के साथ में ये तमाम जो इस गांव के लोग हैं वो रह रहे हैं। क्योंकि बॉर्डर पे जो तनाव देखने को मिल रहा है उसका इस बॉर्डर से जितने भी सटे हुए गांव में उनमें क्या असर है। कल हमने रणु गांव की हकीकत दिखाई थी, आज हम लोंगेवाला बॉर्डर पे आए हैं और कमोवेश वही स्थिति यहां भी देखने को मिल रही है। एक छोटा सा गांव में जहां महज 50 घर नजर आपको आएंगे, और बड़ी शांति के साथ बड़ी बेफिक्री के साथ ये लोग अपनी एक आम जो जिंदगी है वो जी रहे हैं, क्योंकि इन्हें सेना पर पूरा विश्वास है और अगर जरूरत पड़ी तो सेना के साथ, जैसे इन्होंने 1971 के युद्ध में, इनके जो जितने भी पूर्वज थे 1965 के युद्ध में जो इन्होंने सेना का साथ दिया था, ये तमाम लोग वही साथ वही जज्बे के साथ में सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इन लोगों के लिए देश है और देश की जरूरत है।
ये वही लोग हैं जिन्होंने दुश्मन पाकिस्तान को मरते देखा, जिन्होंने हिंदुस्तान का शौर्य देखा, पाकिस्तान की हार के गवाह, हिंद की ताकत के चश्मदीद। ये आंखें गवाह हैं उस लम्हे की जिनके घरों को 1971 में खाली करा लिया गया था और रामगढ़ के सरकारी स्कूल में इन्हें रखा गया था। जिस तरीके से सेना का मूवमेंट है उसको देखते हुए गांव वालों को लग रहा है कि किसी भी वक्त उनसे कहा जा सकता है कि गांव खाली करें। गांव नहीं छोड़कर जाएंगे, सेना के साथ पाक को मारेंगे। इनका कहना है कि इस बार वो अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, वो भी सेना के साथ दुश्मन को मारेंगे, वो हिंद की जीत के लिए अपनी जान की बाजी लगाएंगे, वीर सैनिकों के साथ मिलकर दुश्मन को धूल चटाएंगे। उम्मेद सिंह कहते हैं अब बहुत हो चुका, पाकिस्तान को सबक सिखाने का अब वक्त आ चुका है। कब तक आखिर हमारी माँ बहनें विधवा होती रहेंगी और हम देखते रहेंगे? हम अब कहीं नहीं जाने वाले, हम तो देश के लिए दुश्मन से अब लड़ेंगे। तो सेना और सरकार के साथ है, जो फैसला लेगी हम उसके साथ है। अगर युद्ध होता है तो मैं भी सेना का साथ दूंगा और पाकिस्तान को हराऊंगा। इन तस्वीरों को देखें तो लगता है कि अब वक्त आ चुका है जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म होने वाला है। अब दुनिया से खत्म हो जाएगा आतंक का नामो निशान, क्योंकि अब कमान संभाले है हिंदुस्तान। भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो तनाव देखने को मिल रहा है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम लोग पिछले 4 दिन से जैसलमेर की सरहद पर बने हुए हैं। बीएसएफ और सेना का साथ देता है रेगिस्तान का ये जहाज जिसे ऊंट कहा जाता है, और बीएसएफ का बहुत बड़ा साथ ये मुस्तैदी के साथ इंटेलिजेंस कलेक्शन में लेके सेना और जो हमारे दुश्मन है उन पर निगरानी को देखने के लिए लगातार उनका ये साथ देता है। हमने भी इसी रेगिस्तान के इस जहाज पर बैठकर ये जानने की कोशिश की है कि आखिर बॉर्डर के हालात क्या हैं, और यकीन मानिए बॉर्डर के हालात एकदम सामान्य हैं। हालांकि सेना ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन जो आसपास के सटे हुए गांव हैं वहां के हालात पूरी तरीके से सामान्य नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें माता तनोट और देश की सेना पर पूरा गर्व है और विश्वास है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ आशुतोष शर्मा, जैसलमेर। और फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुश्मन से लड़ने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है, हिंदुस्तान ने अपनी सरहदों पर अपने वीर सैनिकों को तैनात कर दिया है। भारत मां के लाल सरहदों की निगरानी कर रहे हैं। 1965 और 1971 की लड़ाई में राजस्थान के जैसलमेर की लगती भारतीय सीमा युद्ध का मैदान बनी हुई थी और भारत ने पाकिस्तान को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। देखिए खास रिपोर्ट। सेना का साथ दूंगा और पाकिस्तान को हराऊंगा। दुश्मन देख ले हिंद की ताकत, पाकिस्तान देख ले हिंदुस्तान का खौलता लहू, कि अब हिंद का बच्चा बच्चा है हाथों में तिरंगा लिए। माँ भारती का जय घोष कर घर से निकल चुका है तेरे जुल्म के खिलाफ तुझे खत्म करने के वास्ते। अगर युद्ध होता है तो मैं भी सेना का साथ दूंगा और पाकिस्तान को हराऊंगा। पहले 1965 1971 को याद कर, फिर हिंद से तू बात कर। ये अलग बात है कि 1965 की लड़ाई का आगाज कश्मीर से हुआ था, लेकिन नापाक पाकिस्तान ने युद्ध का फ्रंट राजस्थान के जैसलमेर सीमा पर खोला था। जैसलमेर की सीमा से पाक ने खोला था युद्ध का दरवाजा।
जैसलमेर की धरती बनी थी युद्ध का मैदान, कब्रिस्तान बन गया था पाकिस्तान। 1965 और 1971 की लड़ाई में राजस्थान के जैसलमेर की लगती भारतीय सीमा युद्ध का मैदान बनी हुई थी और भारत ने पाकिस्तान को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। मैदान छोड़ने की दर्ज है पाक की कहानियां। लोंगेवाला का बैटल नहीं भूल पाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना के रणछोड़ बनने की दास्तान राजस्थान के रण में जगह जगह लिखी हुई है। लोंगेवाला का बैटल पाकिस्तान शायद ही कभी भुला पाए। वो पाकिस्तान को बार बार याद दिलाएगा कि किस तरह से भारत के बहादुर सैनिकों और एयरफोर्स के लड़ाकुओं ने पाकिस्तानी सेना को नेस्ताबूत कर दिया था। बैटल ग्राउंड पर पहुंचा जी मीडिया, पाकिस्तान की हार देखिए। जी मीडिया बैटल ग्राउंड पर पहुंचा, जहां 5 दिसंबर 1971 के सुबह सुबह मेजर चांदपुरी जवानों के साथ पाकिस्तानी सेना को धूल चटा रहे थे और किस तरह हवा के लड़ाकुओं ने पाकिस्तान के टैंकों को नेस्ताबूत कर दिया था। मैदान छोड़कर भागी थी पाक सेना। पाकिस्तान के टूटे टैंक आज भी भारत में। पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तानी सेना के सामने अपने सारे सामान छोड़कर उल्टे पांव पाकिस्तान भागी थी। पाकिस्तान के बड़े बड़े टैंक आज भी यहां पड़े हैं, जिन्हें भारत के वीरों ने ध्वस्त किया था। मैदान छोड़कर भागते पाक सैनिकों ने लैंड माइंस बिछवाई थी, जिसे भारतीय सेना ने अभी भी पाक की हार की निशानी के तौर पर बचा कर रखा है कि पाकिस्तान अपना हश्र देख ले कि किस तरह उसे हमने मारा था। लोंगेवाला बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस टैंकर पे हम बैठे हुए हैं, ये टैंकर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो झंडा है ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा और ये टैंकर इस हालत में ये बता रहा है कि सन 1971 की लड़ाई में कैसे भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की पूरी फौज को धूल चटाई थी। लोंगेवाला की अपने आप में जो इतिहास है वो भारतीय जो पैट्रियोटिक फिल्में हैं, भारतीय देशभक्ति की जो फिल्में हैं, उसमें बार बार दिखाया गया है। पाकिस्तान की फौज इन टैंकरों के साथ और एक वॉर जो पिलर होता है उसको लेके इस शर्त के साथ और इस इरादे के साथ में हमारे इस बॉर्डर के अंदर दाखिल हुई थी कि उस पिलर को हम लोग जहां तक आगे लेके जाएंगे वहीं पे उसको गाड़ के छोड़ देंगे और वो एरिया वो क्षेत्र हमारा हो जाएगा। लेकिन भारतीय रणबांकुरों ने, भारतीय की पूरी फौज ने जो धूल चटाई, उसका जो एक जेस्चर है, उसका जो एक नतीजा है वो ये कि यहाँ उनकी पूरी की पूरी जो हथियार लेके वो यहाँ आए थे, जो टैंक्स वो लेके आए थे, उन पे हमने कब्जा कर लिया और पाकिस्तान की पूरी फौज को यहाँ से खदेड़ दिया। 1971 की लोंगेवाला लड़ाई का वो पाकिस्तानी पिलर भी आज मौजूद है, जिसने पाकिस्तान उखाड़ कर इस बदनीयति से आगे बढ़ा था कि जहां तक लोंगेवाला बॉर्डर के अंदर घुसेंगे वो क्षेत्र हमारा होगा। लेकिन पाक फौज ने भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए और पीठ दिखाकर मैदान छोड़कर भाग गए। 1971 की जो लोंगेवाला की लड़ाई हुई, जो युद्ध भारत पाकिस्तान का लड़ा गया, उसमें इस पिलर को लेके पाकिस्तान की फौज इस बदनीयत के साथ भारतीय सीमा में घुसी थी कि वो जहां तक इस पिलर को लेके जाएगी वहां तक का पूरा क्षेत्र पाकिस्तान का हो जाएगा। लेकिन भारतीय फौज ने पाकिस्तान की पूरी जो फौज थी उसको यहां से खदेड़ा और जीत हासिल की। तो ये पिलर याद दिलाता है कि कैसे भारतीय फौज ने अपने वीरता का परचम देते हुए इस पूरी सीमा को सुरक्षित रखा था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों से निपटने के लिए पूरे रेगिस्तान को अपना मोर्चा बना रखा है। थार के सहरा में जहां जहां आपकी नजर जाए वहां वहां तक भारतीय सेना के बंकर ही बंकर नजर आएंगे। दुश्मन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंद की सेना पूरी तरह तैयार है। लोंगेवाला जो चेक पोस्ट है वहां हम मौजूद हैं। यहां से जो ये बंकर हैं ये इसलिए बनाए गए थे, सन 1965 के जो युद्ध भारत पाक या 1971 का युद्ध, यहां से सीधे जो बॉर्डर आपको सामने नजर आ रहा है वहां पर दुश्मनों पे जो कड़ी निगाह है वो रखी जा सके और दुश्मन किस तरीके से हमला करने वाला है या उनकी जो आवाजावट है वो किस तरीके से देखी जा सकती है, इसलिए ये बंकर बनाए गए थे। यहाँ तकरीबन
10 के आसपास जो सैनिक हैं वो एक साथ यहाँ रह सकते हैं और नजर रख सकते हैं। खास बात यह है कि जिस तरह का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है, जिस तरह की स्थिति इस वक्त बॉर्डर पे बनी हुई है, उसको देखते हुए एहतियात के तौर पे सेना अतिरिक्त सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर पे संभाल रही है। भारत के डर से बेचैन पाकिस्तान ओछी हरकतों का सहारा ले रहा है। जैसलमेर से लेकर श्री गंगानगर तक पूरे इलाकों में दिन भर में 5,000 के आसपास फर्जी कॉल आ रहे हैं, जिनमें वो आर्मी के मूवमेंट के बारे में सामान्य नागरिकों से जानकारी हासिल करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। डरा पाकिस्तान अपनी सेना लेकर अपनी सीमा के पार बैठा हुआ है। 16वीं मिलिट्री बटालियन, जिसकी लोंगावाला के सामने गफ्फार और रहमियार खान बॉर्डर के पास आ पहुंची है। 12वीं आर्म्ड कोर बाड़मेर के चौहट्टन के सामने बैठी है। इसी तरह से भारतीय सीमा में जैसलमेर के नाचुना के सामने जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर बहावलपुर की तरफ पाकिस्तान सेना के स्ट्राइकर कोर और पाकिस्तानी बैटिंग दोनों आकर बैठी हुई है। पाकिस्तान की तरफ ड्रोन और UAV लगातार देखे जा रहे हैं। भारत पाक सीमा पर इस समय तनाव देखने को मिल रहा है, देश में गुस्सा है, लेकिन इस बीच अगर युद्ध की स्थिति सामने आ जाती है तो सेना पूरी तरीके से तैयार है। मैं लोंगेवाला जो बॉर्डर एरिया है वहां पर मौजूद हूं। ये जो बंकर्स हैं इनको तैयार कर लिया गया है और जितने भी इस इलाके में आपको दूर तक बंकर्स नजर आएंगे, सभी जगह पे एक एक्स्ट्रा अलर्ट किया गया है, उनकी जो तैयारी है वो कर ली गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस पूरे लोंगेवाला पोस्ट पे बैक टू बैक आपको जो बंकर्स हैं वो दिखाई देंगे, जहां से दुश्मन के किसी भी मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अभी जो सेना की तैनातगी है वो नहीं की गई है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति नहीं है, लेकिन अगर युद्ध जैसी परिस्थिति सामने आ जाती है तो भारतीय फौज पूरी तरीके से तैयार है और उसके पास दो बड़े बड़े अनुभव भी हैं, चाहे वो 1965 का युद्ध हो, चाहे वो 1971 का युद्ध हो। ये वो तमाम परिस्थिति है जिसको लेकर सेना आश्वस्त है और अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी है। लोंगेवाला पोस्ट से आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जैसलमेर। बम वाली देवी, जी हाँ, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुनकर, लेकिन ये सच्चाई है। जैसलमेर बॉर्डर इलाके में एक तनोट माता का मंदिर है जो भारत पाकिस्तान युद्ध का गवाह है। कहते हैं कि युद्ध के वक्त माता ने भारतीय सेना की मदद की थी, जिससे पाकिस्तानी सेना युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गई थी। देखिए खास रिपोर्ट। जैसलमेर के बॉर्डर क्षेत्र से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर रणाऊ गांव एक ऐसा गांव है जहां करीब 80 परिवारों के 300 से 400 लोग रहते हैं। इन परिवारों के बुजुर्ग भारत पाकिस्तान की पिछली लड़ाइयों में सेना का साथ भी दे चुके हैं। पीढ़ियां बदल चुकी हैं, लेकिन लोगों का जुनून और सेना के प्रति विश्वास नहीं बदला। गाँव का बुजुर्ग हो या नौजवान, हर कोई बेफिक्री से कहता है, दुश्मन हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सिर पर तनोट माता का हाथ है। तनोट माता ने देश को दुश्मन से हमेशा महफूज रखा है। तनोट माता का चमत्कारी मंदिर, देश की हिफाजत करती है माता। भारत पाक सीमा पर बना तनोट माता का मंदिर भारत पाक के 1965 और 1971 के युद्ध का गवाह है। तनोट माता के मंदिर से भारत पाकिस्तान युद्ध की कई यादें जुड़ी हैं। ये मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के फौजियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा है। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को परास्त करने में तनोट माता की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। माता ने की हिंद के वीरों की मदद, पाक सेना को हटना पड़ा था पीछे। युद्ध के दौरान तनोट माता ने सैनिकों की मदद की और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। आज भी तनोट माता मंदिर के संग्रहालय में पाकिस्तान से दागे गए जीवित बम रखे हुए हैं। पाक ने फेंके मंदिर परिसर में 3,000 बम। मंदिर में नहीं आई थी एक भी खरोच। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना ने
करीब 3000 बम फेंके थे, जिनमें 400 बम मंदिर परिसर में फटे थे, लेकिन माता के मंदिर पर खरोच तक नहीं आई। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान ने मांगी थी इजाजत, माता के मंदिर में चढ़ाया था चांदी का छत्र। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान ने भारत सरकार से माता के मंदिर के दर्शन करने की इजाजत मांगी थी और ब्रिगेडियर खान ने माता के मंदिर पर चांदी का छत्र भी चढ़ाया था। पाक सेना ने अपने ही सैनिकों को मारी थी गोली। युद्ध के वक्त माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया कि रात के अंधेरे में पाक सेना अपने ही सैनिकों पर भारतीय सैनिक समझकर गोलीबारी करने लगी थी। दुश्मन सेना ने खुद अपने ही सेना को साफ कर दिया। 1200 साल पुराने तनोट माता के मंदिर का महत्व। फिल्म बॉर्डर में शामिल है मंदिर की कहानी। बीएसएफ के जवान खुद मंदिर की पूरी देखरेख करते हैं। इस मंदिर की ख्याति को हिंदी फिल्म बॉर्डर की पटकथा में भी शामिल किया गया था। देश भर के विभिन्न शक्तिपीठों के बीच अपनी खास पहचान स्थापित करने वाला ये मंदिर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के साथ ही सदियों से सीमा की सुरक्षा का प्रहरी बना हुआ है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जैसलमेर।